नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़, सैकड़ों की तादाद में पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। कर्नाटक मामले से नाराज कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले चुनाव से ठीक पहले जारी घोषणा पत्र में जनता के सामने पार्टी के संकल्पों को रखा था। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि नफरती संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की तुलना संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल से करते हुए कहा कि था वह ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी जो दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देते हैं। कहा कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो नफरत फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं। बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के बाद बजरंग दल द्वारा कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है। दिनेश मालवीय की रिपोर्ट।